कल में गाड़ी मिली तो जिम में उतरा के हो गया तो विचित्रा में भेजी गई और उसके बाद जो तीन सबको पता है कि 29 मई को एक बहुत ही सेंसेशनल और ब्रेजन किलिंग हुई थी। पंजाबी सिंगर थे जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते थे, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से, उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला, तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। बहुत सारी जेल्स पे, बहुत सारे इंटरस्टेट बाउंड्रीज़ पे, और बहुत ही इनके जो सिंडिकेट के नॉन मेंबर्स थे, काफ़ी जो इनके मेन सरगना थे, उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने, जैसे कि आपको पता है, पहले अरेस्ट किया हुआ है। और पंजाब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ख़ास तौर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसेस हैं लास्ट दो साल के, विक्की मिडूखेड़ा की किलिंग, उसके भी जो दोनों मेन शूटर्स थे उसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी, तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था, और यू नो लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारा ये, हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएं। तो हमारी कुछ टीम तो वैसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो 6 के 6 जो अभी हैं उनकी इस जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे, दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था, ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे, तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन, कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी, तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई, और करोला से फिर ये दोनों उतरे, और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स
फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए, जो ये बाकी चार लोग थे ये बलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया थोड़े किलोमीटर के बाद, इन्होंने अपनी बलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे, आपको जैसे बताया, राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोड था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीन उसमें से जो हमारा वो था कि तीन शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE 36 ग्रेनेड्स थे, देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं, और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है, वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टेब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जहाँ जहाँ इन्होंने जो जो क्राइम कर रखा है। पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं, और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है, लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट की करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं, और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वो AK सीरीज़ की राइफल, हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज़ की थी, और उसकी तो फॉरेंसिक्स हो जाएगी, डेफिनेटिव कोरोबोरेशन तो फॉरेंसिक से ही हो पाएगी, और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई? जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है, वो AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे, कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी
पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज़ करने थे। आठ हैं, हाँ जी, ये इम्पोर्टेड हैं, तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। नहीं, ये फतेहाबाद रुके, क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे और काफ़ी इन्होंने अपने हाइड आउट्स बदले काफ़ी, और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। सर, मनप्रीत मन्नू कहाँ पर है वो, मतलब वहाँ से कहाँ से बात है, मतलब एक्चुअली इनके साथ तक कहाँ तक था, मथुरा बोर्ड तक था या वहाँ? नहीं नहीं, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा फासले के बाद अलग हो गए। ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोग गोल्डी ब्राड से कनेक्ट थे, शूटर्स कितने? दोनों मॉड्यूल गोल्डी ब्राड से कनेक्टेड थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आ रही थी। सर, ये किस चीज से बात कर रहे थे, एफ से या सी? ये इंटरनल चीज है, ये हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। सर, एक चीज और ये जरा, तो जो क्या शूटर है अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग गैंग से ये लोग यूज, प्रियव्रत फौजी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था या कैसे? उसका एक आगे एसोसिएट है, उसके थ्रू दो शूटर थे, मोनू डागर के थ्रू दो शूटर अलग थे, एक जो पेयर था पंजाब वाले शूटर्स का वो अलग था, तो तीन मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बलेरो वाला मॉड्यूल है वह प्रिव्रत फौजी हेड कर रहा था। तो आपको पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उसे मिल जाएंगे। अरेस्ट कर तो लिए, क्यों नहीं? वो आपको क्रेडिट मिला, क्यों नहीं अरेस्ट, मतलब क्या दिक्कत आ रही? नहीं, कुछ दिन तो लगते ही अरेस्ट करने में, अब अगर सर शूटर को पैसे मिले क्या, आपके बंदे जो उन्होंने अंजाम दिया, चैट को पैसे दिए गए थे, कितना पैसा मिला? अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने एस्टैब्लिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कंक्लूसिव नहीं है तो इसलिए हम अभी आपसे वो सिर्फ बदला ही लेना था, देखिए मैंने आपको ये पहले ही बोला था, हम क्राइम के मोटिव पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो वाला केस सिर्फ नहीं है। स्पेशल सेल का जो मैंडेट है वो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना और एंटी टेरर एंगल को देखना, और हमारा होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है उस क्राइम के जब भी कोई अंजाम होता है तो हम आगे प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, ताकि हम वही चीज़ कल को राजधानी में ना हो, हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करी जा सके। तो हमारा मकसद जो होता है कि किसी ने भी किसी भी बड़े केस को अंजाम दिया है तो स्पेशल सेल उसको पकड़े एंड दे शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। क्या मोटिव था नहीं था ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और ऑलरेडी हम कमेंट इसके लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ये हम ऑलरेडी, आप बार बार वही चीज़ क्यों सुनना चाहते हैं? हमने बोला है कि मास्टरमाइंड उसने एडमिट किया था है, लेकिन आगे उसने किसको टास्किंग करी, कैसे टास्किंग करी, क्या कोई बेल रिलीज हो रहा था, कोई साथी था, या मुलाकात में बोला, क्या बोला, ये चीज़ें अगेन माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन की है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस टाइम। ने प्रियव्रत हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। सर, इतने आर्म्स मिले हैं तो ये क्या कैरी कर रहे थे या वहाँ पे इन्होंने कहीं लोकल सेंटर से कहीं से अरेंजमेंट किया था, वहाँ पे ये रखा था, इसका क्या सोचते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, इन्होंने एक हरियाणा में जगह है जहाँ पे इन्होंने जो रिजर्व वाले वेपन्स थे ये रख दिए थे, और ये जो वेपन्स रिकवर हुए जो रिज़र्व थे वारदात में यूज़ होने थे अगर ज़रूरत पड़ती, ये इन्होंने रखे विलेज किरमारा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में,
और ये परिवर्त को जब अरेस्ट करके हम लेके आए तो उसके इंस्टेंस पे ये रिकवरी हुई है। ये तो बड़े दिनों से थे और इन्होंने मल्टीपल रेकीज करी थी। इन्होंने ये जो चार लोग थे ये पीरियड्स में अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज़्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है अलग अलग तरीके से। छः शूटर थे, मैं शूटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अरेस्ट तो मल्टीपल हो चुकी हैं जिन्होंने हार्बर किया, जिन्होंने रेकी करी, जिन्होंने मूवमेंट बताई, लेकिन 6 शूटर थे। 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं। सर इन्होंने इस केस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जानकारी आपके की दिल्ली होल्डिंग गार्ड से कैसे टच में जो क्या हो गया? ये तो मैंने बोला हम नहीं बताएंगे। सर एग्जैक्ट कहां से गिरफ्तार हुए? ये आपको अभी बताया, खारी मिट्टी रोड विलेज बारोई मुंद्रा कच्छ। क्या कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पहले सारे जो शूटर से इन्वॉल्व थे जितने हिट किया है राउंड गोलियां चलाई हैं उसने दिल्ली पुलिस ने किया? नहीं, गलत होगा ये। 6 लोगों ने फायरिंग करी है। जो बलेरो का मॉड्यूल हेड था उसको हमने अरेस्ट किया है, जो बलेरो चला रहा था और जिसने उतर के फायरिंग करी है बाकियों के साथ उसको अरेस्ट किया है, जिसने बलेरो वाले शूटर्स को वारदात के बाद ट्रांसपोर्ट किया उसको अरेस्ट किया है। करोला वाले 2 बाकी हैं और 2 बलेरो वाले बाकी हैं। बलेरो में सर वो दो कौन लोग थे सर जो आपने नाम बताए थे? सर यमराज और कशिश के अलावा। सर कौन से यमराज और कशिश के अलावा? बलेरो में सर अंकित सिरसा और दीपक मुंडी। सर कौन सी गाड़ी कौन कौन सर? बलेरो चला रहा था कशिश, साथ बैठा था प्रियव्रत, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी। करोला चला रहा था जगरूप रूपा और साथ बैठा था मनप्रीत मन्नू, जिसने असॉल्ट राइफल से पहला बस्ट फायर किया थार को ओवरटेक करते हुए। थैंक यू।